घर घर बाबा गाविए। यह पवित्र बाणी दी तुकां अपने आप दे विच इक हकीकत हन। बाणी दा इक इक अक्खर पूर्ण तौर दे उत्ते इक सच है जिस नूं कोई मोड़ नहीं सकदा। गुरु नानक साहब ने अपनी चार उदासियां दे विच पूरी पृथ्वी दा चक्कर लगाया अते समें दे नाल नाल कुछ देशां नूं उजागर भी कीता गया, पर गुरु नानक साहब ने सिर्फ पृथ्वी दा ही नहीं सगों पूरे ब्रह्मंड दा फेरा लगाया सी ते पूरे संसार नूं इक परमात्मा दा संदेश दित्ता सी। वक्खो वक्खरी जगह दे उत्ते गुरु नानक साहब नूं अलग अलग नामां दे नाल याद कीता जांदा है। अजिही एक घटना सिंगापुर दे विच होई जिसने साबित कर दिता कि गुरु नानक साहब नूं घर घर दे विच याद कीता जांदा है। गुर इकबाल सिंह कहिंदे हन कि मैं किसी काम के सिलसिले दे विच सिंगापुर गया, अपना सारा काम खत्म करके मैं अपने किसी जानकार दे घर रुकना सी ते अगले दिन वापसी भारत भी आना सी। सो एक दिन उन्होंने घर रहन का प्रबंध किया गया सी। एक पूरा दिन सी मेरे कोल, मैं सोचिया सिंगापुर घूम लेंदे हाँ ते जिन्हां दे घर मैं रुकिया सी उन्होंने कहा कि इत्थे एक बहुत वड्डा गुरद्वारा साहब है ते उसकी काफ़ी मान्यता है। उन्होंने दसिया कि सिख कौम के एक शहीद बाबा महराज सिंह जी का एक गुरद्वारा साहब है जो कि कैद होकर इत्थे आए सी ते उन्होंने अपने सुवास भी इत्थे ही त्यागे सी, जिस तों बाद उन्हां दी कुरबानी नूं याद करदिआं इत्थे गुरद्वारा साहब बनवाया गया है। कुछ समय बाद आपां उसे गुरद्वारा साहब दर्शन करन गए। वड्डियां वड्डियां दो गोलाकार दीआं बिल्डिंगां बणीआं होईआं सन जिथे इन्हां बिल्डिंगां दे विच गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश किया गया सी ते दूजी गोलाकार बिल्डिंग दे विच बच्चिआं नूं पंजाबी ते गुरु ग्रंथ साहब की संथ्या दित्ती जांदी है। इसे ही गुरद्वारा साहब दे विच इक लंगर हाल भी बनिया होया है। आपां दर्शन करके दरबार साहब दे विच बैठ गए कि इन्ने क नूं 20-25 सिंगापुर दे चीनी लोग जिन्हां दे छोटे छोटे कद सी ते सिरां दे उत्ते रुमाल बन्नी गुरद्वारा साहब दे अंदर आए ते अरदास कर मत्था टेक के कंधा दा सहारा लै के वक्खो वक्खरी जगह दे उत्ते बैठ गए। मैनूं बड़ी हैरानी होई कि जिस तरह इन्हां ने दर्शन कीते हन इंज लग रहा है कि जिवें इह हर रोज़ ही गुरद्वारा साहब दर्शनां दे लई आउंदे ने। इत्थे बड़ी हैरानी वाली गल इह सी कि उह कंधा दे नाल लगी मूँह दे विच कुछ जाप कर रहे सी ते उन्हां दी अखां बंद सी ते उह 20-25 चीनी लोग सारे अखां बंद करी जाप कर रहे सी ते मेरे नाल ही सिंगापुर दा इक वसनीक सिंह सी। मैं उसनूं कहा कि मेरे लई इन्हां चीनियां दे कोलों पुछ के आ कि इह मूँह दे विच की जाप कर रहे ने, क्योंकि मैनूं तां उन्हां दी भाषा नहीं आउंदी सी। उह सिंह मेरे कहण ते उह चीनियां दे कोल गया ते उन्हां नूं पुछण लग्गिया। जदों सिंह ने वापस आके मैनूं दस्या तां उह सिंह दा जवाब सुण के मेरे अंदर एक भुचाल जिहा आया। उन्हां चीनियां ने दस्या कि आपां गुरु नानक साहब दी उचारी हुई बाणी मूल मंत्र दा जाप कर रहे हाँ। हैरानी दी गल सी क्योंकि साडे बहुते लोग गुरद्वारा साहब सिर्फ मत्था टेक के वापस मुड़ आउंदे ने, पर इंज जाप कोई कोई ही करदा है ते दूसरे धर्म ते देश दे लोग गुरु नानक साहब दी बाणी दे उत्ते इन्ना भरोसा करदे ने, जरूर इस दे पिछे कोई कारण होवेगा। मैं दोबारा उस सिंह नूं उन्हां दे कोल भेजिया कि उन्हां नूं पुछे कि इह जाप क्यों कर रहे ने। उह सिंह झिझकदा होया फिर उन्हां चीनियां दे कोल गया ते उन्हां नूं जाके पुछण लग्गिया। उन्हां चीनियां ने जवाब दित्ता कि सानूं गुरु नानक साहब दी बाणी दा सहारा है, जदों भी साडे उत्ते कोई भी मुसीबत आउंदी है जां फिर साडा कोई काम रुक जांदा है तां आपां इत्थे गुरद्वारा साहब गुरु नानक साहब दी शरण दे विच आ के मूल मंत्र दा जाप करदे हां। साडे घर पहुंचण तों पहलां ही गुरु नानक साहब साडे काम सवार दिंदे ने। हुण इत्थे कोई गल करामात दी नहीं हो रही, सगों बाणी दे उत्ते भरोसे दी गल हो रही है, जो कि किसे बिरले अंदर ही अजिहा भरोसा ते प्यार हुंदा है। उन्हां चीनी लोकां ने दस्सिया कि आपां इक्को ही कंपनी दे विच काम करदे हां ते अज साडे नाल ही काम करन वाले साडे इक दोस्त दा ऑपरेशन है, उसदी हालत बहुत खराब है ते उह मरण दे कंढे पिया होया है। अज उसदा आखरी ते बहुत वड्डा ऑपरेशन है जिस दे विच उसदी जान जाण दा भी खतरा है। आपां सारयां ने हॉस्पिटल विच रुकण तों बेहतर समझिया कि इत्थे गुरु नानक साहब दे अगे अरदास करिए तां जो कुछ साडे दोस्त नूं फायदा भी होवे अते आपां अपने दोस्तां दे नाल रल के इत्थे पाठ कर रहे हां। देखिया जावे तां अजिही विचारधारा साडे सिखां ते पंजाबियां दे विच खत्म हुंदी जा रही है ते आपां सिर्फ अपने आप बारे ही सोचदे हां, सानूं किसे दे नाल कोई मतलब नहीं। पर इह चीनी लोक इकल्ले हो के अपने एक दोस्त दे लई अरदास कर रहे ने। फिर आपां लंगर हाल दे विच गए। लंगर छकण तों बाद जदों आपां बर्तन साफ करन दे लई रखण गए तां मैं हैरान हो गया कि उन्हां चीनी बंदियां दीआं घरवालियां लंगर दे विच बर्तनां दी सेवा कर रहियां ने। इह सब कुछ देख के मेरे मन अंदर गुरु नानक साहिब दी वडियाई उमड़ आई। आपां सिख हो के भी सब कुछ भुल ही बैठे हाँ ते इत्थे पूरे परिवार ही गुरु नानक साहिब दे चरणां दे विच सेवा निभा रहा सी। आदमी लोग बाणी दी सेवा कर रहे सी ते औरतां लंगर दे विच सेवा। आपां इह सब कुछ देख के उत्थों वापस आ गए ते अगले दिन मैं भारत आ गया। कुछ दिनों बाद सिंगापुर तों उसे सिंह दा मैनूं फोन आया जो मेरे लई उन्हां चीनियां दे नाल गल्लबात कर रहा सी। उस सिंह ने जो भी मैनूं कहा उह सुण के मेरियां अक्खां भर आईआं। उस सिंह ने मैनूं कहा कि उस दिन उह चीनी लोग जिस आदमी लई पाठ कर रहे सी उन्हां दा उह दोस्त बिल्कुल ठीक हो गया
ते अज इसी की खुशी दे विच उन्हां चीनियां ने गुरुद्वारा साहब लंगर की सेवा की है। ते ओ बंदा जो मरन कंडे पिया सी अज गुरु नानक साहब के लंगरां दे विच लंगर वरता रहा है। कुछ अजिही है बाबे नानक की महिमा जिसनू आपां लोग भुली बैठे हाँ।